हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को अपना गार्डन दिखाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, देखिए हम शुरुआत करते हैं अपने मनी प्लांट के पौधा से। ये पौधा पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं और देखिए ये पौधा मेरा कितना अच्छा से क्लाइम किया हुआ है नारियल का गाँच पर। इसकी पत्तियाँ देखिए कितने बड़े बड़े हैं। नेक्स्ट ये रहा मेरा पान का पौधा, इसकी भी देखिए कितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हुई हैं। इसकी पत्ते कितने हरे भरे हैं, इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं। तीसरा देखिए ये है हमारा सुगंध राज का पौधा, इसमें एक बार फ्लावरिंग्स हो चुके हैं और फिर से अब इसमें कली ले रही है। ये रहा मेरा गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा मेरे पास बहुत वैरायटी के हैं, हाइब्रिड भी है और देसी भी है। ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल है पिंक कलर का, इसमें बराबर फूल आते रहते हैं। मेरे सारे गुड़हल पर एक न एक फूल हमेशा खिलते रहते हैं। तो ये रहा मेरा पीला और ये है मेरा लाइट पिंक में है और ये रहा मेरा जरबेरा का पौधा और ये है रजनीगंधा। ये रहा आपका येलो गुड़हल का हाइब्रिड वाला ही ये भी है। एक ये वाला है गुड़हल का पौधा, ये है डबल पेटल का, इसमें भी कलियां फिर से ले रही हैं। ये रहा मेरा बालसम का पौधा और ये है येलो रोज़, इसमें भी फ्लावरिंग्स हो चुके हैं। फिर से इसमें देखिए नई नई ब्रांचेस आ रही हैं और इसमें अब कलियां भी लगेंगे। और ये है मेरा ऑरेंज कलर का है ये भी रोज़ और एक ये रोज़ है रेड कलर का और ये है जीनिया का पौधा। ये रहा मेरा ऑरेंज हिबिस्कस, ये भी मेरा हाइब्रिड ही है। एक रहा ये येलो हिबिस्कस, इसके अंदर एक रेड है और एक बाहर से फिर येलो है। और एक ये रहा ये भी येलो ही है लेकिन दोनों का कलर अलग अलग है। ये रहा मेरा थी क्या कहते हैं इसको टिकोमा का पौधा, पीला टिकोमा और ये है ऑरेंज टिकोमा और ये रहा मेरा एक सो प्लांट और ये देखिए ये मेरा कच्चू का पत्ता है जिसे बिहार झारखंड में बहुत ही पसंद किया जाता है। इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये देखिए कितना अच्छे ये भी हुए हैं मेरे बागान में। और ये देखिए कनेल का पौधा जो अपने से निकला हुआ है, इसका ग्रोथ देखिए कितना सुंदर हो रहा है। और भी देखिए बहुत सारे यहाँ पर, एक छुई मुई का पौधा देखिए निकला हुआ है, कितना सुंदर प्यारा सा छोटा सा अपने से निकला हुआ है। तो दोस्तों, मेरा बागान में बड़े बड़े भी पौधे हैं और फूल पत्तियाँ तो है ही है। और देखिए ये नींबू का बड़ा सा पौधा है, इसमें नींबू भी लगे हुए हैं। तब रेनी सीजन में इन सबको केयर करना पड़ेगा, हम नहीं केयर करेंगे तो फिर पौधे सब बर्बाद हो जाएंगे। रेनी सीजन में कैसे हमको केयर करना है, इसका भी वीडियो हम एक ठो डाले हुए हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो और हम डालने वाले हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद कैसा लगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें।